और अयोध्या को धाम के रूप में स्थापित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अयोध्या से सभी शराब की दुकानों को बाहर करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब अयोध्या के 84 कोस की परिधि में एक भी शराब की दुकान नहीं होगी। जो मंदिर क्षेत्र है वो तो पहले से ही मद्य निषेध क्षेत्र घोषित है, और जो 84 कोसी परिक्रमा का जो पूरा क्षेत्र है उसको भी हमने मद्य निषेध क्षेत्र के रूप में हम उसको देख हमने करा है, और जितनी भी पहले वहाँ दुकानें हुआ करती थी उसको सबको हमने वहाँ से हटवाया है, और ये कह दिया है कि एक भी आबकारी की से संबंधित कोई भी दुकान उस 84 कोसी परिक्रमा के क्षेत्र में नहीं खुलेगी। तो बेहद भव्य और दिव्य अयोध्या का राम मंदिर के बारे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कई अहम जानकारियां भी साझा की गई हैं, जिसके मुताबिक राम मंदिर का निर्माण 70 एकड़ जमीन में सिर्फ 30% जमीन पर ही हो रहा है। मंदिर के दरवाजों को करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा भी बनाया गया है। रामलला के मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में बनाया गया है, जिससे श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, जबकि मंदिर आने वाले श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद उत्तर दिशा के दरवाजे से बाहर निकलेंगे। मंदिर के अंदर बने सभी खंभों पर देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी गईं। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो गीता प्रेस की भी एक भागीदारी इसमें होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों को गीता प्रेस में छपी अयोध्या दर्शन किताब प्रसाद के रूप में दी जाएगी, जिसके लिए गीता प्रेस करीब 10,000 अयोध्या दर्शन किताब की प्रतियां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगा। इसके अलावा कार्यक्रम के अति विशिष्ट मेहमानों के लिए भी गीता प्रेस अयोध्या और भगवान राम से जुड़ी किताबों का तोहफा तैयार कर रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय जो उनके विशिष्ट अतिथि आमंत्रित हैं, लगभग 8,000 से के आसपास सुनने में आ रहा है, तो हम लोग 10,000 पुस्तकें उनको अयोध्या दर्शन की उपलब्ध करा रहे हैं, और माननीय चंपत राय जी से भी बात हुई है इस संबंध में, और उन लोगों ने कहा है इसको प्रसाद के साथ सभी अतिथियों को हम उपलब्ध करा देंगे। पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, और इसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की और आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता एक बैरिकेड के ऊपर चढ़ते नजर आए। इस दौरान वहां खड़े पुलिस वाले और सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता उस बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धार से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कई कार्यकर्ता वहीं जमे रहे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।